नमस्कार सभी को। HDP फर्स्ट ईयर की क्लास है, इसमें अपन पढ़ रहे थे उत्सर्जन तंत्र, यूरिनरी सिस्टम। उसमें अपन ने कल पढ़ा था, GFR तक पढ़ लिया था, मतलब GFR क्या होती है इसके बारे में बता रहा था। एक बार फिर देख लो, यह है बोमान्स कैप्सूल। पहली चीज़ तो ये है, किडनी के कोर्टेक्स भाग में बोमान्स कैप्सूल मिलता है या पाया जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई करती है उस आर्टरी का नाम है रीनल आर्टरी, और जो ब्लड को ले जाती है वापस उसका नाम है रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी क्या हुआ है, बहुत सारी छोटी छोटी जैसे किडनी के अंदर प्रवेश करी शाखाओं में बढ़ जाती, और उसकी एक शाखा, जैसे मान लो एक शाखा इस बोमान्स कैप्सूल में प्रवेश कर जाती है, जो शाखा बोमान्स कैप्सूल में प्रवेश करती है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल, और ये एफरेंट आर्टियोल क्या करती है, बोमान्स कैप्सूल के अंदर गुच्छा बना लेती है, कुंडलित होकर गुच्छानुमा बन जाती है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बनाने के बाद यह एफरेंट आर्टियोल वापस वोमेंस कैप्सूल से बाहर निकल जाती है, जिसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था, चित्र देख, कि जो वोमेंस कैप्सूल होता है इसके अंदर तीन परत होती है, तीन लेयर से बना होता है, तीन लेयर। सबसे पहली लेयर होती है इसकी एंडोथेलियम लेयर, दूसरी लेयर होती है बेसमेंटिंग मेम्ब्रेन, और तीसरी होती है पेराइटल लेयर। अब देखो, इन तीन लेयर में से दो लेयर है जो फिल्ट्रेशन में भाग लेती है ऊपर की, एंडोथीलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, जबकि पेराइटल लेयर है ये फिल्ट्रेशन के अंदर भाग नहीं लेती। फिल्ट्रेशन का मतलब है ब्लड को छानना, ब्लड को छान कर वो उसमें से यूरिन को एकत्रित करना, मतलब फिल्ट्रेशन करना, एक तरह से फिल्टर होना। तो लास्ट लेयर है ये फिल्ट्रेशन में भाग नहीं लेती, लेकिन ये दो एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों फिल्ट्रेशन के अंदर भाग लेती हैं। पूछ ले कि बोमान्स कैप्सूल की कौन सी लेयर फिल्ट्रेशन में भाग नहीं लेती हैं, तो वो है पेराइटल लेयर। उसके बाद मैंने बताया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं पोडोसाइट। ये छिद्र हैं, इनको पोडोसाइट बोलते हैं, इसके द्वारा यूरिन छनता है। ठीक है, क्षमता किस कारण है, उसका कारण भी यह है कि प्रेशर होता है, प्रेशर बनता है इनके द्वारा, ग्लोमेरुलस के द्वारा, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा, इन सभी से प्रेशर बनता है, प्रेशर के कारण वह क्षमता है, और छनकर PCT के भाग में आता है, जो मतलब वोमन बेसमेंट मेम्ब्रेन के पोडोसाइट के द्वारा एक मिनट में जो छनकर यूरिन PCT में आता है उसको बोलते हैं GFR। ठीक है, GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये रहा। ठीक है, इस तरह से ये छन रहा है आपका, ठीक है। ये मान लो 15 लीटर ब्लड आया और उसमें से 10 लीटर छन गया और 5 लीटर वापस इफरेंट आर्टरियल द्वारा बाहर निकल गया, तो इस तरह से छनता है, उसको बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ध्यान रखना भाई, GFR परिभाषा भी पूछते। अब आता आगे कि GFR ज्ञात करने के लिए जो उपयोग में लिया जाने वाला हार्मोन है ना, वो है इंसुलिन। इंसुलिन GFR ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ये एक फ्रक्टोज का बहुलक है, इंसुलिन है जो, फ्रक्टोज शर्करा है एक तरह की इंसुलिन। ठीक है, सॉरी भाई, हार्मोन नहीं है, शर्करा है, और किसकी है, फ्रक्टोज की बहुलक है। उसके बाद है कि मनुष्य के अंदर GFR की दर है वो 125 ml पर मिनट होती है। ठीक है, ये तो आपके GFR के बारे में हो गया और बोमान्स कैप्सूल के बारे में हो गया। और समझने चाहते हो तो ये रहे। कैसे चलना, इफरेंट आर्टियोल के द्वारा 625 ml ब्लड आया और उसमें से 125 ml छन गया और 500 ml बाहर निकल गया, तो वो क्या हो गई, आपकी GFR पर मिनट की दर से हो गई। उसके बाद
कुछ किडनी के बारे में ही अपन वापस थोड़ा सा जान लेते हैं। नॉर्मली चीज़ मैंने बता दी कि किडनी का औसतन वेट है वो 600 से 700 ग्राम होता है और राइट किडनी बड़ी होती है लेफ्ट की तुलना में। कारण है रूमन, रूमन का प्रेशर बढ़ता है लेफ्ट में इसलिए वो छोटी होती है। उसके बाद किडनी के अंदर कुछ संरचना आती है। जैसे मान लो ये किडनी है, इसका जो परिधीय भाग कोर्टेक्स कहलाता है, बीच का भाग मेडुला कहलाता है। कोर्टेक्स भाग के अंदर, मेडुला भाग के अंदर जो नेफ्रॉन की कौन कौन से अंग या कौन कौन सी संरचना होती है उसमें सीटी एनलोब ये आती है, और कोर्टेक्स भाग के अंदर बोमांस कैप्सूल और पीसीटी पाए जाते हैं। उसके बाद होता है कि जो रीनल पेल्विस का मतलब है कि जहाँ से पिरामिड बनना शुरू हुए, पिरामिड का मतलब होता है एक तरह से एक गहरी खांच और एक मेजर खांच एक माइनर, मतलब एक तो गहरी खांच है और एक उभरी हुई मतलब कम गहरी खांच है, इस तरह की खांचनुमा संरचना स्ट्रक्चर बनती है ना, उसको बोलते हैं पिरामिड। और ये लगभग 20 होते हैं संख्या किडनी के अंदर, एक किडनी में, ठीक है। तो जहाँ से पिरामिड बनना शुरू होते हैं उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। ये सभी पशुओं में मिलता है लेकिन गाय और सुअर के अंदर एब्सेंट होती है रीनल पेल्विस, ध्यान रखना। कौन से पशु के अंदर रीनल पेल्विस नहीं पाया जाता? गाय और सुअर के अंदर, बाकी सभी एनिमल में मिलती है। मैंने यह लिख भी रखा, जिस स्थान से पिरामिड बनना शुरू होता है उस जगह को रीनल पेल्विस कहते हैं। ये गाय व सुअर में अनुपस्थित होती है, या इसको यूं भी कह सकते हो वक्र के मध्य भाग मेडुला में मूत्र वाहिनी का फैला हुआ भाग रीनल पेल्विस कहलाता है। एक ही बात है, ठीक है। चाहे तो ये बता दो चाहे ये बता दो, मेरे हिसाब से ऊपर वाला इजी। यह आपके किडनी लगभग क्लियर हो गई। उसके बाद आता है कि किडनी से स्रावित हार्मोन कौन कौन से, मतलब कौन कौन सा हार्मोन है जो किडनी के द्वारा स्रावित होते हैं। तो इसके अंदर अपना पहला हार्मोन होता है वो होता है रेनिन, और दूसरा हार्मोन होता है वो होता है इथ्रोपोएटिन हार्मोन। अब देखो ये किडनी के किस किस भाग से स्रावित होते हैं। रेनिन हार्मोन है, देखो रेनिन दो तरह का हार्मोन होते हैं, जिसके अंदर सिंगल एन है वो तो मतलब एन आया है, उसका मतलब तो हो गया कि वो किडनी से स्रावित हो रहा है, और जिसके अंदर डबल एन आ गए उसका मतलब वो डुडेनम भाग से स्रावित हो रहा है, पेनक्रियाज वहाँ से स्रावित होता है ना, एक रेनिन स्टोमक में जो पाड़ता है, डुडेनम भाग से स्रावित होकर स्टोमक के अंदर आता है जो दूध को फाड़ने का काम करता है, वो रेनिन अलग है और ये रेनिन अलग है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके अंदर 3N आ रहे हैं, इसके अंदर 2N आ रहे हैं, जिसके अंदर 2N है उसका मतलब है वो रेनिन किडनी से स्रावित हो रहा है। अब किडनी से भी कहाँ से, किडनी किससे बनी होती है? नेफ्रॉन के द्वारा, बता दिया मैंने, बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर किडनी बनाते हैं, इसलिए किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। तो ये पहली चीज़, तो किडनी नॉर्मल तो किडनी से स्रावित होते हैं लेकिन उसके अंदर जाए तो भाई ये नेफ्रॉन से स्रावित होते हैं। अब नेफ्रॉन से भी कौन सी जगह से, नेफ्रॉन के भी बहुत सारे भाग हैं, तो नेफ्रॉन के जीजी एपरेटस द्वारा स्रावित होता है, और जीजी एपरेटस में मिलती है मैकुला डेंसा सेल। और जो ईपीओ हार्मोन है इरिथ्रोपोएटिन, यह होता है नेफ्रॉन के डीसीटी भाग द्वारा स्रावित होता है। अब देखो जीजी एपरेटस क्या होता है, ये बोमांस कैप्सूल है, इसके बाद ये पीसीटी है, ये हेलेलूप है, ये डीसीटी है, ये सीटी है, ये डक्ट ऑफ बेलिनी है, ठीक है। तो डीसीटी और इफरेंट आर्टियोल के मध्य जो सेल्स मिलती है या जो गुच्छनुमा सेल्स होती है उसको बोलते हैं मैकुला डेंसा सेल। ये आपस में जोड़ती हैं डीसीटी और इफरेंट आर्टियोल के बीच में, तो इसको बोलते हैं जेजे एपरेटर, और यहाँ से स्रावित होता है रेनिन, ठीक है। और ईपीओ हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन ये डीसीटी भाग से सीक्रेट होता है, ठीक है, आगे समझ। भाई जीजी एपरेटस क्या होता है, ग्लोमेरुलस एपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, फुल फॉर्म है जीजी एपरेटस की जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। तो क्या है ये,
कि ये एफरेंट आर्टियोल और डीसीटी के मध्य जो सेल्स नुमा गुच्छा होते हैं उसको बोलते हैं जजी एपरेटस, और जो इसके अंदर सेल्स मिलती है उस सेल्स का नाम होता है मैकुला डेंसा सेल, और यहाँ से रेनिन स्रावित होता है, और डीसीटी बाग से यूरिथ्रोपोएटिन हार्मोन स्रावित होता है। ये तो रेनिन हार्मोन हो गए किडनी के स्रावित होने वाले। उसके बाद है कि किडनी पर कार्य करने वाले हार्मोन कौन कौन से, तो किडनी के ऊपर बहुत सारे हार्मोन ने जो अपना कार्य करते हैं, उसमें पहला हार्मोन है एडीएच। एडीएच का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको वासोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। अब देखो एडीएच हार्मोन है ये किडनी से स्रावित नहीं होता, ये तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं वहाँ से। वैसे एडीएच हार्मोन ये बनता तो हाइपोथैलेमस के द्वारा है, लेकिन इसका स्टोर है पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, मतलब वहाँ इसका स्टोर होता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से ये रिलीज हो जाता है हार्मोन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये स्रावित होने वाला हार्मोन है एडीएच, जो किडनी के ऊपर कार्य करता है। अब आगे देखो इसमें भाई, अब इस किडनी के ऊपर कार्य करता है तो इसका काम क्या है, और काम है तो किस जगह पर काम है। तो पहली चीज़ तो इसका कार्य एक्शन एक्शन है वो है सीटी के अंदर, जो अपन ने पढ़ा था नेफ्रॉन, उस नेफ्रॉन के सीटी भाग में इस एडीएच हार्मोन का कार्य है, वो वृक्क है कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर। और कार्य क्या है, कार्य ये है कि ये सीटी पर काम करता है और सीटी की पारगम्यता को बढ़ाता है। पारगम्यता का मतलब है उसकी छनन क्रिया को बढ़ाता है, ठीक है। यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब बॉडी में जल की कमी हो जाए या डर या भय के कारण यह हार्मोन स्रावित होता है। जब बॉडी में जल की कमी हो जाती है तो एडीएच हार्मोन सिक्रेट होता है, सिक्रेट होकर सीटी के ऊपर एक्शन करता है और सीटी की पारगम्यता को बढ़ा देता है, जिसके कारण वो जल का एब्जॉर्वेशन कर सके ताकि बॉडी में जल की पूर्ति हो सके। ये काम यह तो पहला हो गया हार्मोन जो किडनी के ऊपर काम करता है। उसके बाद अब अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन दूसरा हार्मोन।